सुनियारी मेले का आज कुश्ती दंगल का आगाज हुआ। इस कुश्ती दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में पालमपुर एसडीएम पंकज शर्मा उपस्थित रहे। इनके साथ भेडू महादेव के बीडीओ सिकंदर भी मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत प्रधान रविदत्त शर्मा, उप प्रधान मंजीत बालिया और समस्त खैराबासियों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, इस कुश्ती को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और लोगों ने इस कुश्ती दंगल का खूब आनंद उठाया। मेरी कुलदीप राणा जी के पास प्रांगण में आए, वो अपनी एंट्री करवाए। नमस्कार सर, हिमाचल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप सती माता सुनियारी मेले के शुभ अवसर पर समस्त इलाकावासियों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? जैसा कि आपको ध्यान है, भारत गांव में बसता है। भारत के गांव-गांव में विभिन्न प्रकार के मेले होते हैं। ये जो मेले हैं, ये हमारी सांस्कृतिक जो विरासत हमको अपने पूर्वजों से मिली है, यह उसको एक सहेजने का एक माध्यम है। और इन मेलों के माध्यम से हम लोगों में आपसी मेलजोल, एकता का भाव, समरसता का भाव बनता है। इसी का संदेश यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ कि हम लोग सभी एक दूसरे के साथ समरसता के साथ अपना जीवन यापन करें और अपने समाज की उन्नति के लिए लोग धन्यवाद सर, हिमाचल एक्सप्रेस से बात करने के लिए। शर्मा जी को मोमेंटो भेंट करें, टोपी पहना के रविदत्त शर्मा, डॉक्टर रविदत्त शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित कर रहे हैं। टोपी बनाकर जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए खैरा से सन्नी धीमान की रिपोर्ट।